अच्छा जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन रोश, तो देखते हैं उसकी रेसिपी। अच्छा जी, तो हमने ले लिया है गोश्त और इसको नमक लगा दिया है। अब हम इसको एक कढ़ाई के अंदर ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर आप गोश्त ले लें, और इसके अंदर फिर आपने रख देने हैं ये ऐसे साबित टमाटर, अदरक रख देनी है और प्याज रख देने हैं साबित। अच्छा, वैसे ये जो है ना, आप लोगों को भी आइडिया होगा कि रोस्ट जो है बेसिकली वो चर्बी के अंदर बनता है, लेकिन चर्बी हमें अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऑयल यूज करेंगे। अच्छा, और इसके अंदर हम दालचीनी और कुछ काली मिर्च ले लेंगे। अच्छा, हम इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देंगे और तकरीबन हम 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। तो इसको हम ढक देते हैं और इसके ऊपर कुछ वजन रख देंगे तो अच्छा हो जाएगा। पर वजन रखने का थोड़ा सा मसला है, तो हमने जो है ना ये यूज किया है। इसके ऊपर अब हम पानी भर के पतीली रख देंगे ताकि प्रेशर आ जाए। ये देखें जी, हमने इसके ऊपर ऐसे पतीली रख दी है। अच्छा जी, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और हमने इफ्तारी कर ली है, तो अब हम चेक करने जा रहे हैं कि इसकी क्या हिसाब किताब चल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, और देखते हैं, इसको चेक करते हैं। गोश्त अभी मुकम्मल तौर पे नहीं गला, कहीं कहीं से कच्चा है, तो हमें अभी इसको तकरीबन आधा घंटा और पकाना पड़ेगा। ये अब हम दोबारा गुंबद बनाने जा रहे हैं। ये देखें जी, ठीक है। गाइस, हम लोगों का जो रोश हम बना रहे थे वो इस वक्त रेडी हो गया है। अहमद इसको उतार रहा है। अहमद साहब, दिखाएं क्या बनाइए। देखिए, हमारा रोश रेडी है। ओ, ये क्या, इसके अंदर से पापा जॉन है। तो अब ये इसके पीछे क्या स्टोरी है वो आप जाके देखें। कि हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, थोड़ी ग्रोसरी करनी थी हमने, तो रोश बेचारे को हमने अकेला छोड़ दिया है। तो उम्मीद है कि जब हम वापस आएंगे तो वो रेडी हुआ होगा। बिल्डिंग के बाहर का मंजर है जी, ऐसे थोक के हिसाब से यहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। हमारी शहजादी भी इधर ही कहीं खड़ी है। ये देखें, हर जगह मॉल्स में, हर जगह पे जहाँ जो भी क्राउडेड एरिया पब्लिक प्लेस होती है, वहाँ पे इन लोगों ने इस तरह के जो है ना स्टिकर्स लगाए हुए हैं कि इतने फासले पे आपने खड़े होना है। ग्रोसरी कर रहे हैं इस वक्त, टमाटर लेना है हमने। ये देखें जी, ये पाकिस्तान का आलू, और ये वाला है लबनान का आलू, थोड़ा सा महंगा है ये। इधर एक सस्ता वाला पाकिस्तानी भी है, मेरे ख्याल में ये मीठा आलू होगा। ये देखें, ये है जी इंडियन अनियन, जो पाकिस्तान का भी ऐसा ही होता है। और एक जो अनियन मैंने अभी देखा है, ये वाइट कलर का अनियन, ये है जी ऑस्ट्रेलियन। इस वक्त हम बुचरी पे मौजूद हैं और इस वक्त हम ये चॉप्स ले रहे हैं। ये देखें जी, ये हमने चॉप्स लिए हैं स्पेशल। अहमद साहब ने कहा था कि वो हमें चॉप्स बना के खिलाएंगे, तो ये सिर्फ चॉप्स हैं। और ये बाकी चीज़ें, ये देखें, हर तरह का मीट यहाँ पे अवेलेबल है। ये पाकिस्तानी मीट है, ये इंडियन मीट है, और यहाँ पे ये जो है ना लीवर एक्सेट्रा लगे हुए हैं। इस तरफ ये जो है ना फिश सेक्शन है, सारी फिशेस लगी हुई हैं। चीज़ मैंने देखी है, ये कलकेसिया या जो भी इसका नाम है, आप लोगों को इसके बारे में बताओ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने ये पहली दफ़ा देखी है, क्या चीज़ है ये। देखें जी, ये हमने अभी तक की ये हमारी ग्रोसरी है।
शॉपिंग कर ली है और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, वो जो हमारी ग्रोसरी है वो डिलीवर कर देंगे फ्लैट में। ओह शिट, मुझे लग रहा है कि वो अपना रोश चल गया। जी तो अब हमने फाइनली मंगवाया है पापा जॉन का पिज़्ज़ा। पापा जॉन अच्छा जी, तो आज के इस इंसिडेंट से हमें एक सबक मिला है और वो ये कि कभी भी जो है वो आग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलता छोड़ के घर से बाहर ना आ जाए। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा सबक था, ये आप लोगों के लिए भी सबक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये हमारे अहमद साहब भी कुछ अपने जो है ना कीमती राय का इजहार करना चाहते हैं, इनकी भी सुन। गाइस प्लीज बी केयरफुल इस तरह के मामलों में। वैसे हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, और जैसे इतना धुआं हमने देखा है और जैसे कोई रोड में धुआं था, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से पहुंच गए हैं। और जो है ना एग्जॉस्ट वगैरह चला के, और ये क्योंकि हमारे जो कॉरिडोर में लोग खड़े हुए थे तो उनको शायद पता नहीं लगा कि ये हमारे फ्लैट से आ रहा है, तो अभी तक हम जो है ना अभी नल बर्दाश्त कर रहे हैं उसकी। हाँ, और एक और बात जो आज के इस इंसिडेंट से हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली वो ये थी कि भाई ये आपको करोड़ रुपए का मशवरा दे रहा है, वो ये कि पापा जॉन से जब भी पिज़्ज़ा खाना हो तो स्पाइसी चिकन रैंच पिज़्ज़ा खाइएगा, बहुत टेस्टी था। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएई हमें लगा कि वाकई हमने भी अच्छा पिज़्ज़ा खाया। क्योंकि बात ये है कि जब से मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो मुझे सिर्फ यही मिला था कि मैं कोई अच्छा पिज़्ज़ा नहीं खा सका। हमने पहले भी पापा जॉन के पिज़्ज़े खाए हैं, लेकिन हमारे एक अजीज है नुमान जी, ने हमें शाउट आउट टू नुमान भाई, नोमी यू आर द बेस्ट ब्रो, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप जो है ना पिज्जा का क्या नाम था, स्पाइसी चिकन रैंच। हाँ, चिकन रैंच डाल दो, उसमें चिकन बहुत कम था लेकिन वो पिज्जा जो है ना काफी टेस्टफुल था और हमें काफी मजा आया, मतलब हमारे जो पैसे थे वो पूरे हो गए। ओके गाइस, तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। सर आप कह दें दफा, हमारी तो नहीं सुन रहे ये लोग जी, ये सब टारगेट की तरह ना टारगेट। अच्छा, पिछला टारगेट आप लोगों को याद होगा, वो टारगेट पूरा हो गया तो अभी भी वो वैलिड है, तो इस दफा अहमद की तरफ से कुछ टारगेट है, जितना मर्जी कर ले यार। नहीं, मेरा टारगेट सिर्फ इनके लिए यही है कि जो ये बंदा वीडियो देखता है एटलीस्ट वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ये नहीं कि वीडियो देख के और जो है ना आप बैक भाग जाए। तो टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें और अपने घरों में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, और बाकी अल्लाह मियाँ हर किसी को अपने ज़माने रखें। टेक केयर ऑफ।